गोरखपुर जीआरपी टीम को उस समय कामयाबी मिली जब उसने चोरी, जहर खुरानी, पॉकेटमारी करने वाले शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। अभियुक्तों में ब्रजेश साहनी, अनिल कुमार गुप्ता, रवि वर्मा हैं, जो कि गोरखपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इन अपराधियों के पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं, जिनके पास से नशे के पाउडर, चोरी के मोबाइल, सिम कार्ड, पेचकस आदि बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे अभिषेक यादव ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये गैंग गोरखपुर जीआरपी द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 5 अभियुक्त जो है वो वर्तमान में फरार है। ये गैंग के सदस्य हैं और आपराधिक इतिहास भी इन लोगों का है। इनके पास से 23 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, पैसे बरामद हुए हैं और इसके अलावा जो अभियुक्त फरार हैं उनके पास से भी हमें उम्मीद थी कि काफ़ी सामान भी बरामद हुआ, हमारी टीम उसमें लगी हुई है। ये बेसिकली चोरी, जहर खुरानी और पॉकेट मारी की घटनाएँ हमारे वर्कआउट हुई हैं और जो लोग फरार हैं उनसे भी कुछ चीज़ों की और एक्सपेक्टेशन से भी कुछ चीज़ें और इसमें वर्कआउट होंगी और यही 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए इस गैंग का। वर्कआउट किया, देखिए इनका जो टारगेट रहता था वो जनरली ये रहता था कि ये पॉकेट मारने की कोशिश करते थे आदमी की, तो अलग अलग डब्बों में बारी बारी से चढ़ना उतरना, जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, जहाँ इनको लगता था कि बड़ी आराम से ये अपना क्या कहते हैं घटना को अंजाम दे देंगे। जैसे आप देखते हैं जनरली रेलवेज में जनरल के डब्बों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, धक्का मुक्की भी रहती है, तो आदमी उसमें समझ नहीं पाता है। कई बार पीछे की जेब में पर्स होता है या कोई उसका आई कार्ड होता है या खाली कैश भी रखा होता है, ऊपर वाली जेब में आदमी कैश रख होता है, तो उस केस में भीड़ भाड़ के एरिया में ये लोग अपना टारगेट करते थे। और उसी तरह का इनपुट भी था कि ये जो गैंग है ये इसी तरीके से ट्रेन के अलग अलग डब्बों में चलता फिरता है, स्टेशन पर चेंज कर लेता है, ट्रेन चेंज कर लेता है, डब्बे चेंज कर लेता है, और उसी के बीच में ये लोग पकड़े जाने के इनसे जैसा मैंने बताया कैश भी बरामद हुआ है, सिम कार्ड भी बरामद हुआ। अभी तो ये इसमें से जो कुल मिला के 3 लोग पकड़े गए हैं और जो 5 लोग फरार हैं, इसमें से 2-3 उम्मीद हैं उनके पास काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास है। जैसे कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनके पास 2007 में मुकदमी है, 2009 में मुकदमी है, 2016 में 2017 में मुकदमी है, 2012-2013 में भी मुकदमी है, तो पुराने क्रिमिनल्स हैं और वर्तमान में कुछ समय से ये सक्रिय हो गए थे। जैसा कि जीआरपी गोरखपुर का जो विभाग है इसमें पिछले 2-3 महीनों को, पिछले 1 महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जो सर्दियों का मौसम था उसमें क्राइम में काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया गया था, तो चोरी और जहर खुरानी की घटनाएं घटित नहीं हो रही थी। जहर खुरानी की नहीं हुई थी, चोरी की काफ़ी कम घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि लास्ट 1 मंथ में हमने देखा कि घटनाएँ हमारे यहाँ भी घटित हुई और जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं कई बार वो आगे जहाँ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली जा रहा है, बिहार जा रहा है, तो वहाँ जाकर उसे समझ में आता है कि मेरे साथ ये घटना घटित हो गई, तो हमारे पास फिर वो केसेस ट्रांसफ़र पे आते हैं, तो वैसे केसेस की संख्या भी बढ़ने लगी। हमें ये था कि कुछ गैंग्स इसमें काम कर रहे हैं, उसी के लिए हमने अपनी टीम लगाई हुई थी कि अचानक से जो वृद्धि हुई है जरूर कोई नया गैंग शामिल हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने घटना हुई थी उसमें से इस गैंग का उसमें रोल था। किस रूट पर ज़्यादा सक्रिय थे? देखिए, इनका जो पर्टिकुलर रूट था वो गोरखपुर से जो गोंडा वाला है हमारे एरिया है, ये जो बेल्ट है इसमें ज़्यादा रहते थे। और जनरली तो क्या रहता है कि रेलवेज में कई बार ये लोग जैसे मान लीजिए बिहार के बॉर्डर से भी आए और इधर आए देवरिया, ये पूरा एरिया कवर करते रहते हैं। ये पर्टिकुलर इनका टारगेट ये रहता है कि जो आपकी ऐसे रूट्स हैं जिन पर ट्रैफिक काफ़ी रहता है, वॉल्यूम काफ़ी रहता है, खासकर जनरल के डब्बों में भीड़ ज़्यादा रहती है और खासकर जो ऐसे स्टेशन होते हैं जैसे गोरखपुर है, गोंडा है, जो कंपेरेटिवली बिजी स्टेशन हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पे जो फोर्स के लोग हैं चाहे जीआरपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे डीसी हो, चाहे रेलवेज का स्टाफ हो, भीड़ की संख्या में कई बार क्या होता है कि आप इंडिविजुअली हर आदमी का अटेंशन नहीं दे पाते, वो टारगेट नहीं करते थे कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, ऐसी जगहों को टारगेट किया जाए जहाँ हम आराम से इस रूम कहीं निकल सकें और भीड़ में हम नोटिस ना हो पाए।